अच्छा जी, अब हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जंगल स्काउट का एक ऑप्शन है, ठीक है। ये आप सभी को पता है कि इस टाइम मैंने क्या ओपन किया हुआ है, जंगल स्काउट वेब ऐप ओपन है इस टाइम, ठीक है। लास्ट टाइम हमने हंटिंग के लिए क्या यूज किया था, प्रोडक्ट डेटाबेस, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्राइटेरिया पुट किया था और जो रिजल्ट आए थे वो आगे फर्दर हमने उनको चेक किया था। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर एक ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी फाइंडर, ठीक है। इसको आप वन टाइम क्लिक कर लेंगे तो इस तरह से ये इंटरफेस सामने आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, पहला काम है मार्केट प्लेस हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेम उसी तरीके से कैटेगरीज आ रही हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, एक तो मैं ये होम एंड किचन सेलेक्ट कर लेती हूँ, दूसरी मैं मैडम पेट। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जी थोड़ा सा आप ये जो कर रही है ना, ऐसा ऐसा थोड़ा किया करें, क्योंकि एक न्यू स्टूडेंट है हमारी, तो जी उनको भी थोड़ा सा आप साथ लेके चलें। जी जी मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं बहुत क्लियर ये चीजें करूं ताकि इनको नौबत ही ना आए क्वेश्चंस करने की। तो ठीक फिर भी हो, अगर कोई चीज ना समझ में, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। ओके। अच्छा, मैंने यहाँ पे दो कैटेगरीज को सेलेक्ट की है, आप तीन को भी कर सकते हैं, आप एक को भी कर सकते हैं, एक कर लें तो ज्यादा बेस्ट है, लेकिन इसमें मैंने दो को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एवरेज मंथली यूनिट सोल्ड, ठीक है। मैं चाहती हूँ मुझे मेरी अपॉर्चुनिटी किसी ऐसी प्रोडक्ट में अगर बनती है जिसका मिनिमम भी हर महीने 100 यूनिट तो बिकता हो ना, ठीक है। हम यहाँ 500 भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे रिजल्ट्स ज्यादा चाहिए, ठीक है। अगर मेरी अपॉर्चुनिटी कहीं बनती है तो मुझे वो देखना है, तो कम से कम भी 100 यूनिट तो हर महीने बिक रहा हो ना उस प्रोडक्ट का, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। आप अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब एवरेज मंथली प्राइस मैं कहती हूँ 10 से लेके 35 तक हो जाए, ठीक है। इतनी मैं अफोर्ड कर लूंगी अगर इस प्राइस में कोई प्रोडक्ट मुझे मिलती है। मंथली सर्च वॉल्यूम हम कहते हैं कि मिनिमम भी उसका सर्च वॉल्यूम जो है 5,000 तो हो, 5,000 से कम ना हो, मैक्सिमम जितना भी हो उतना ही अच्छा है। यहाँ पे ये है नीश स्कोर, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम वाली बार में आप 4 लिखते हैं, ठीक है। 4 से नीचे वाले स्कोर की जो नीश होगा वो मुझे नहीं दिखाओ, हाँ मैक्सिमम जितना हो वो चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये समझने वाली चीज है कंपटीशन। नॉर्मली जब हम टूल ओपन करते हैं ना, ये दोनों इस तरीके से फुल होते हैं। अब मैं इस फिल्टर को क्या कर रही हूँ, ये देखें, अब मैं इसको थोड़ा सा कम कर रही हूँ। ये जहां वेरी हाई लिखा आ रहा है ना, ये जब हाई पे आ जाए तो आप छोड़ दें। मैं चाहती हूँ मुझे ऐसी प्रोडक्ट्स दिखाना जिनका जो कंपटीशन है या वेरी लो हो या मीडियम हो या हाई हो। ये देखिए, अगर मैं इसको मजीद कम करूंगी ये मीडियम पे भी आ गया, मजीद कम करती जाऊंगी तो ये वेरी लो से लो पे आ गया, ठीक है। तो मैं इसको कह रही हूँ कि मीडियम वाली भी मुझे दिखा दो, लो वाली भी, वेरी लो वाली भी, और हाई, वेरी हाई वाली मुझे ना दिखाओ क्योंकि उनको मैं कम्पीट नहीं कर सकती, ठीक है। अपने मुताबिक मैंने क्राइटेरिया सेट किया। अब सीजनैलिटी की हमने क्या बात की है कि हमें ऐसी प्रोडक्ट नहीं चाहिए होती जो सीजनल हो, ठीक है। इसलिए इस फिल्टर को पकड़ के मैं 0 कर रही हूँ, मुझे सीजनल प्रोडक्ट नहीं दिखाना। अच्छा, पीएल के हिसाब से मैंने ये क्राइटेरिया सेट किया और मैंने इसको कर देना है पीएल सर्च। में हम कभी भी सीजनैलिटी को जो है वो जरूर देखते हैं, और सीजनल वाली प्रोडक्ट जो है वो कभी भी हम लॉन्च नहीं करते, नहीं कभी भी करते, नहीं जाते पीएल के बिल्कुल लिए, क्योंकि बिल्कुल दो जो जो उसका सीजन होगा 2 महीने 3 महीने उतनी ही तो सेल्स आ जाएगी, बाकी महीने क्या करेगा, वो तो जीरो पे चला जाएगा, तो बिल्कुल। इसीलिए। अब ये मजे के सारे स्टैट्स इसको हम पढ़ते हैं देख के। अब ये कोई प्रोडक्ट है, ड्राइड फ्लावर्स इसका कीवर्ड है, ठीक है। कैटेगरी वो मुझे बता रहा है होम एंड किचन है। एवरेज मंथली यूनिट सोल्ड वो कह रहा है कि 285 जो है ना ये हर महीने बिकती है यूनिट। अच्छा, एवरेज मंथली प्राइस इसकी है 17.99, ठीक है। मंथली सर्च वॉल्यूम वो कह रहा है 31,000 है, और कंटिन्यूसली इसका जो सर्च ट्रेंड है ना वो अपवर्ड ही है, 48%। अच्छा जी, अब अगर कंपटीशन पे गौर करें, अगर मैं इस प्रोडक्ट के साथ जाती हूँ तो मुझे बता रहे हैं कि इसमें वेरी लो कंपटीशन है, मतलब आप इसको देख लें, मतलब लो कंपटीशन है, मेरी वायबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। नीश स्कोर की मैंने बात की कि 4 से कम वाली ना दिखाना, तो ये देखें ये 7 है, वेल एंड गुड।
सीजनैलिटी वो कह रहा है कि वेरी लो, सीजनैलिटी इसमें मौजूद नहीं है। अच्छा, इस तरीके से हम इन सब चीजों को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ये भी देखें आप, ये कोई प्रोडक्ट है इस तरीके से वेरी लो, ये देखें सारी यहाँ पे आप कंपटीशन देखें, वेरी लो, लो लो, मीडियम और वेरी लो, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हाई हो। इट मीन्स मैं इन प्रोडक्ट्स को वन बाय वन चेक करूंगी और जिसमें मेरी वायबिलिटी बनती है मैं उसके साथ गो थ्रू करूंगी, ऐसे ही है। अब इसको अगर मैंने चेक करना है मैं अमेजोन पे चली जाती हूँ वन टाइम क्लिक करके। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर मुझे आपकी आवाज आ रही है? कट रही है, कट रही है, मुझे लग रहा है मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है। ओके, मैं ये कह रहा हूँ मैडम, यहाँ हम क्या कर रहे थे जंगल स्काउट पे? जंगल स्काउट पे सर हमने अपनी वो कह लें कि वायबिलिटी चेक करनी है ना, कि किन प्रोडक्ट्स में हमारी जगह बन सकती है, किसको हम कम्पीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आकर मैंने मार्केट प्लेस सेलेक्ट की और अपने मुताबिक मैंने एक दो कैटेगरीज उठा ली। क्राइटेरिया मैंने दे दिया कि इतने मंथली यूनिट सोल्ड होते हों, एवरेज मंथली प्राइसेस मैंने बता दी, सर्च वॉल्यूम मैंने कह दिया 5000 से कम ना हो, नीच स्कोर मैंने बोल दिया कि 4 से कम स्कोर वाली मुझे मत दिखाओ, और कंपटीशन यहाँ पे मेन चीज है तो इसको मैंने सेट कर लिया वेरी लो से हाई तक। देन उसके बाद सीजनैलिटी वाला जो ऑप्शन है उसको मैंने बंद कर दिया। उसके बाद जो मैंने सर्च किया था, जो रिजल्ट्स मेरे पास आए थे, मैं उनको फर्दर वन बाय वन चेक कर रही हूँ कि इनमें से मेरी कौन सी प्रोडक्ट में वायबिलिटी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल अब एक ये कीवर्ड है यहाँ तक, जी यहाँ तक किसी को क्वेश्चन हो तो काइंडली आप करें, ये हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, ये पेज कैसे आया, कहाँ से आया, क्या ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सब लोग लिखिए क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा मैडम आपको ये बताए। ओके जी क्लियर है, चले। अब मैंने इस कीवर्ड को सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल क्यों किया, इसकी एवरेज मंथली यूनिट मैं कह रही हूँ 572 सेल हो रहे हैं, एवरेज मंथली प्राइस इसकी 13.25 है, मंथली सर्च वॉल्यूम इसका 6000 समथिंग है और 90% के अपवर्ड इसका ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने देखी कि इसमें लो कंपटीशन है, तो इस वजह से मैंने इसको अमेजोन पे ओपन किया। और कैसे ओपन करना है, यहाँ पे जो ये ऑप्शन आ रहा है इस पे मैंने क्लिक किया, ये मुझे अमेजोन पे ले गया, तो एक्चुअली ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपने इधर देखना है, ये देखें ये 1000 से ज्यादा ना हो तो यहाँ पे ये 114 बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे मेरी वायबिलिटी फिर भी बन सकती है। अब मजीद यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने इसका मेन कीवर्ड निकालना है जाके। कैसे निकालना है, आप यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन जो हाई रिव्यूज लेके बैठा हुआ हो, ठीक है, उसका आप एसएन कॉपी करेंगे, आप वापस सेरेब्रो में जाएंगे, वहां पे इसी प्रोडक्ट के रिलेटेड जो उसका मेन कीवर्ड होगा सबसे पहले आपने वो फाइंड करना है, ठीक है। या दूसरा तरीका मेन कीवर्ड ढूंढने का ये है कि ये पूरे का पूरा कीवर्ड आप कॉपी करेंगे, मैग्नेट में जाएंगे, वहां पे जाके आप इसको पेस्ट करेंगे। जो एक मिनट रहता है आपके लिंक का जो है ना, आप दूसरा कर लीजिए, बना लीजिए, बात बीच में रह जाएगी। जी बस ये मैग्नेट वाली मैं बात बता रही थी कि आप इस कीवर्ड को कॉपी करके मैग्नेट में डालेंगे, वहां पे सर्च करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसको आप सॉर्ट कर लेंगे। ये दोनों तरीकों से आप सबसे पहले मेन कीवर्ड निकालेंगे। अब मैं न्यू लिंक देती हूँ, उस पर बकाया डिस्कशन करते हैं।